नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस के जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों RCF यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है, जिसके अंदर आपकी टोटल पोस्ट आएगी 393। ठीक है जी, तो हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में पूरी डिटेल को देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। वे कौन सी इसमें भर्ती रहेगी, वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज जो कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी और आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है जी, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो ये 01/06/2020। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें आपकी कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन से आपकी पोस्ट का नाम है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट रहेगी, क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कितनी आपकी एज लिमिट मांगी गई है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, आप यहाँ पे दे लीजिए पोस्ट कोड दे रखा है। ठीक है, जैसे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पोस्ट कोड मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पोस्ट का नाम है, ये देख सकते हो टोटल वैकेंसी दी हुई है, ये कैटेगरी वाइज आपका कंट्रीब्यूट किया है पोस्ट को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 30 जून तक कम्प्लीट होनी चाहिए, 30 जून 2020 तक, और एज आपकी काउंट होगी लास्ट 31 जुलाई 2020 तक। ठीक है जी, अब बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट की। फर्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड आप दे सकते हो, ये दे रखा है आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की। ठीक है, टोटल पोस्ट है कि 60, UR की 24 पोस्ट है, SC की 9 पोस्ट है, ST की 5 पोस्ट है, OBC की 16 पोस्ट है, EWS की 6 पोस्ट है। ठीक है जी, उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हो, रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर BE, BTEC, BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल डिसिप्लिन। ठीक है जी, इसमें आपका ये कोर्स पूरा होना चाहिए। और वहीं पे आप एज लिमिट की बात करें तो ये आपका परसेंटेज दे रखा है, मिनिमम आपका 60% होना चाहिए और SC ST को 55%। एज लिमिट आपकी 25 दे रखी है मिनिमम, मैक्सिमम आप देख सकते हो आप 25, और अदर कैटेगरी SC ST की 30 साल दे रखी है, OBC की 28 साल है। ठीक है जी, यानी कि आपकी होगी ये आपकी UR अनरिजर्व कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी आपकी 25 ईयर रहेगी, SC ST की 30 ईयर और OBC के लिए 3 साल की छूट होती है, तो आपकी 28 साल रहेगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट का आप नाम दे पोस्ट कोड दे सकते हो, ये रहेगा आपके मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर के लिए 21 पोस्ट है टोटल, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। इसमें भी आप दे सकते हो 4 ईयर रेगुलर BE, BTEC, BSc इन केमिकल से। ठीक है जी, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपके परसेंटेज दे इसके 60% और 55% SC ST को, और एज लिमिट सबकी सेम दे रखी है। ठीक है जी, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, नेक्स्ट पोस्ट कोड आपका ये रहा, नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल में, जिसके आपको टोटल पोस्ट है 48, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है पोस्ट का, और ये देख सकते हो आपके BE BTEC आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है जी, इन मैकेनिकल स्ट्रीम से और 60% आपका मिनिमम स्कोर रहना चाहिए, एज लिमिट सबकी सेम दे रखी है। नेक्स्ट पोस्ट कोड दे सकते हो आप, ये दे रखा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की आपकी 22 पोस्ट है, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है पोस्ट का, रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर BE BTEC BSc इंजीनियरिंग। ठीक है जी, और आपको 60% आपको UR के लिए और 55% SC ST के लिए रहेगा परसेंटेज मार्क्स। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पोस्ट कोड आप दे सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए 35 पोस्ट रहेगी, कैटेगरी वाइज दे रखी है, और रेगुलर रहेगी आपकी BE BTEC BSc इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन से। ठीक है जी, और एज और सेम दे रखी है। नेक्स्ट आपकी दे रखी है, ये पोस्ट कोड दे रखा है इंजीनियरिंग केमिकल OBC। ठीक है, टोटल आए आपकी 10 पोस्ट रहेगी, इसमें आपके रेगुलर BE BTEC मांग रखी है। ठीक है, एज लिमिट सेम दे रखी है। नेक्स्ट आप दे सकते हो इसमें, इसमें आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपकी पोस्ट कोड ये दे रखा है ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड E1, टोटल पोस्ट आपकी 10, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है आपका, फुल टाइम UGC रिकॉग्नाइज साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और या फिर आपके MBA मार्केटिंग मांग रखी है। ठीक है जी, मिनिमम परसेंटेज 60% मांग रखा है, एक्सपीरियंस आपका 2 साल का मांग रखा है। ठीक है जी, एज लिमिट आप दे सकते हो UR के लिए 32 साल दे रखी है, SC ST को 37 साल, OBC को 35 साल एज लिमिट दी हुई है।
वही बात करें नेक्स्ट पोस्ट क्या दे सकते हो, तो ये दे रखा है पोस्ट कोड असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड ईओ के लिए 14 पोस्ट हैं। ये दे सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है UGC रिकॉग्नाइज BTech एग्रीकल्चर से 4 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है जी। परसेंटेज 60% मार्क का, एज 28 दे रखी है। ये आप देख सकते हो इसकी आपके टोटल है 220 पोस्ट आएगी, ठीक है जी, बड़ी मात्रा में इसकी पोस्ट आई हुई है। और आप बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आप ये देख सकते हो नेक्स्ट पोस्ट का नाम है, ये कोड दे रखा है ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल ग्रेड से, टोटल 125 पोस्ट है, ठीक है जी। मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर डिग्री मांग रखी है BSc केमिस्ट्री से या फिर विद फिजिक्स, ठीक है जी। और मिनिमम परसेंटेज 55 मार्क हैं। एज लिमिट आप दे सकते हो 27 है, SC ST को 32 है और OBC को 30 ईयर दे रखी है। इसी तरह आप ये नेक्स्ट भी दे सकते हो, इसमें पूरा डिटेल दे रखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पोस्ट आपके बॉयलर ऑपरेटर के लिए, जिसकी टोटल पोस्ट है 25, इसमें दे सकते हो आपका क्वालिफिकेशन SSC मांग रखी है, यानी कि आपकी 10वीं 12वीं मांग रखी है, और इसमें आपको बॉयलर का डिप्लोमा मांग रखा है। एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए, एज लिमिट आप 30 ईयर और SC ST को 35 साल, OBC को 33 साल दे रखी है। सीधा नेक्स्ट दे सकते हो, ये आपका पोस्ट कोड है जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 के लिए दे रखी है, जिसमें आपकी ये देख सकते हो टोटल 23 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। इसमें ये देख सकते हो क्वालिफिकेशन आपके SSC+2 विद 6 मंथ फुल टाइम रेजिडेंस फायरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और साथ में हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस, प्लस में आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा 1 साल का होना चाहिए आपके पास, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हो पूरे नोटिफिकेशन आया हुआ, 45 पेज की PDF फाइल थी, ठीक है जी। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दे रखा है, 5 ईयर की छूट दे रखी है SC ST को और OBC को 3 साल की छूट दी हुई है। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी 1,000 रुपये फ़ीस रहेगी आपकी, ठीक है जी। और जो नेक्स्ट आपकी 700 रुपये फ़ीस रहेगी आपकी उसके लिए अलग से वर्कर्स कैटेगरी के लिए, और जो इंजीनियर लेवल की थी उसकी 1,000 रुपये फ़ीस रहेगी, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप और एक्सेसमैन कैटेगरी की कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है जी। आपकी OBC और UR की फ़ीस रहेगी। अब ये बात करते हैं इसमें ये सैलरी का दिया है, ठीक है जी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग को आप दे सकते हो 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसी तरह कंटिन्यू आगे दे सकते हो, पूरी नोटिफिकेशन दिया हुआ है, लास्ट तक आपको 1,15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, ठीक है। बॉन्ड भरवाया जाएगा आपसे और ये आप इसमें पूरे डिटेल से चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑफिसर इंजीनियरिंग के आप दे सकते हो 40,000 से 1,40,000 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी, यानी कि अप्रोक्सी आपको 70,600 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इस हिसाब से आप ये पूरी डिटेल दे सकते हो कैटेगरी वाइज देख के। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हो, इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है जी। पर्सनल इंटरव्यू भी रहेगा इसमें आपके साथ में, ये अलग अलग दे रखे हैं सारे के सारे। इसमें एक कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांग रखा है, ये आपका फायरमैन के, ठीक है जी, जूनियर फायरमैन के लिए आपका ये देख सकते हो रोलिंग ड्रिल मार के रनिंग मांग रखी है, ये आपकी फिजिकल मांग रखी है, साथ में स्टैंडर्ड मार्क का हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर मांग रखी है, और वेट आपका 50 kg मांग रखा है, चेस्ट आपकी मिनिमम 81 और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और विजन आपका 6x6 होना चाहिए विदाउट गिलास, ठीक है जी। इस तरह आप देखते हैं ऑनलाइन आपका टेस्ट रहेगा 80% मार्क्स का, 20 नंबर का आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। इस तरह से ये पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपको हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के आने की तारीख आ चुकी है, 29 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट रहेगी आपकी 15 जुलाई 2020, ठीक है जी। आपको अप्लाई करने के लिए इसमें पूरा परफॉर्मा आप चेक कर सकते हैं, कैप्चर लेटर आपको में आपको फॉर्म को फिल करना है, और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे RCF की, उस पर HR रिक्रूटमेंट दे रखा है, उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरा प्रोसीजर इसमें आप दे सकते हैं दिया हुआ है। पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से, ठीक है। इसमें ये गाइडलाइन दे रखी है, अपलोड और स्कैनिंग, अपलोड डॉक्यूमेंट भी आपका क्या साइज का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है जी। तो ये आप दे सकते हो 45 पेज की PDF फाइल दी हुई है। एक और ये देख लेते हैं, ये आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 29 जून से,
ठीक है जी। और आपका लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की 15 जुलाई 2020 है, और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आपके 16 अगस्त को रहेगी, ठीक है जी। रिजल्ट आपका शायद टेंटेटिव दे रखा है 24 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो आप दे सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके, यानी कि परसों से, सोमवार से, मंडे से फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट रहेगी आपकी 15 जुलाई। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिस करे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।